Hello friends, this is Sagar. Welcome back to my YouTube channel Cycle and Parts Room, and today we'll be talking about how to upgrade a freewheel hub into a cassette hub. But before that, make sure to watch the video completely and don't forget to subscribe my channel. तो जैसे कि आपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में देखा, आज हम 7 स्पीड फ्रीव्हील से 8 स्पीड कैसेट और 9 स्पीड कैसेट में अपग्रेडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. As you can see, I have made this huge setup. It is not very huge setup, but it is quite huge setup. मैंने एक टेबल रखा है, एक हैमर रखा है. This hammer is no one but you yourself. जब भी मेरे को लगेगा कि क्राउड की तरफ से कोई डाउट आ सकता है, मैं इस हैमर को हिट करूंगा और वो डाउट पूछूंगा, ठीक है? वो डाउट मैं अपने आप से पूछने वाला हूँ. तो ये हैमर कोई नहीं, आप ही हैं. इस हैमर के अलावा भी आपको कुछ और डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, उन डाउट्स को भी मैं आंसर करूंगा, ठीक है? तो कभी भी 7 स्पीड फ्रीव्हील से 8 स्पीड कैसेट या फिर 9 स्पीड कैसेट में अपग्रेड करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आज हम देखेंगे. तो पहले मैं आपको 5 ऐसी चीज दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे अपग्रेड के लिए. लेकिन उन 5 चीजों से भी पहले हम 7 स्पीड फ्रीव्हील वाली बाइसिकल जो आप अभी ओन करते हैं उसे समझेंगे, ठीक है? तो हम अभी आपकी 7 स्पीड बाइसिकल को समझने वाले हैं. तो आपकी 7 स्पीड बाइसिकल में 7x3 21 स्पीड यानी 7x3 का शिफ्टर लगा है, चेन व्हील लगा है, 3 स्पीड का फ्रंट डीरेलर लगा है, 3 स्पीड का रियर डीरेलर लगा है, 7 स्पीड का एंड एक फ्री व्हील लगा है 7 स्पीड का, ठीक है? थ्रेडेड हब के साथ, थ्रेडेड हब के साथ, ठीक है? अब इस 7 स्पीड बाइसिकल जो आप ओन कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें 2 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, ठीक है? तो हम 2 पॉसिबल कंडीशन बना लेते हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. कंडीशन 1 क्या है पहले उसे समझते हैं, ठीक है? तो कंडीशन 1 वाली बाइसिकल जो है उस पे हमारा जो रियर डीरेलर होगा वो टॉर्नी TY300 होगा या टॉर्नी TY500D होगा, ठीक है? वो दोनों डीरेलर मैं अपने साथ आज लाया हूं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए. अभी हम कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो as I mentioned, these are the 2 derailleurs for condition 1. तो अभी अगर आपकी बाइसिकल में ये दोनों derailleur लगे हैं, Tawny TY300D and Tawny TY500D, तो आप condition 1 के हिसाब से proceed करेंगे. तो condition 1 के derailleurs को देख लेते हैं जो अभी आपकी बाइसिकल में pre-equipped है, यानी अभी ये derailleur आपकी बाइसिकल में लगी है, ठीक है? पहले मैं Tawny TY300D को ओपन कर रहा हूं डायरेक्ट अटैचमेंट. तो ये मैंने ओपन कर दिया Tawny TY300 को. दिस इज योर Tawny TY300D. इसका मैं एक इमेज यहां बना दे रहा हूं, Tawny TY300D. दिस इज Tawny TY500D. This is Tawny TY500D. इसका भी मैं एक इमेज ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है? तो ये दोनों derailleurs. तो जैसे कि आपने दोनों derailleurs को देखा, तो अगर आपके बाइसिकल में Tawny TY300D एंड Tawny TY500D लगा है तो प्रेफरेबल कंडीशन 1 को आप फॉलो करेंगे. और अगर आपकी 7 स्पीड रियर डीरेलियर ये दोनों में से ना होकर वो दोनों में ना होकर ये दोनों हैं, तो ये दोनों डीरेलियर्स है एल्टस RDM310 एंड असेरा RDM360. तो अगर आपकी 7 स्पीड बाइसिकल में ये दोनों डीरेलियर प्री इक्विप्ड या प्री असेंबल्ड है तो आप कंडीशन 2 को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो आपके लिए कंडीशन 2 प्रेफरेबल है. ये दोनों डीरेलियर को भी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग करके. सो हियर इज योर असेरा RDM360. तो
This is your Altus RDM310. So you saw both the derailleurs, and this is for people who are owning a bicycle with rear derailleur 7-speed, a Saran Altus, follow condition 2. ठीक है, तो ये भी हो गया. Condition 1 and condition 2 के test cases मैंने इसलिए बनाए ताकि आपके लिए ये decide करना easy हो जाए कि आप 8-speed में upgrade करें या 9-speed में upgrade करें. Whereas it is not necessary you follow my procedure and conditions, it totally depends on you, but as per my recommendation I would suggest you to go with either one of the derailleur assemblies or shifters which I prefer for each conditions. So condition 1 and 2 bahut important hai hamare liye, isko dhyan se samajhne ki baatein hai. Theek hai, to aise 5 essential components जिसकी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी अगर हम 7-speed से 8-speed में अपग्रेड करें. ठीक है, तो ये 7-speed से 8-speed में अपग्रेड करने वाला जो प्रोसीजर है ये मैं प्रेफर करूंगा फॉर पीपल ओनिंग अ बाइक विथ कंडीशन 2, विच मींस RDM310, RDM360. ये रिकमेंडेड है 7 से 8 अपग्रेडेशन के लिए. ठीक है, इसे बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले मैं आपको 5 एसेंशियल कंपोनेंट सिखा देता हूं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें आज के वीडियो में पड़ेगी. तो अब वो फर्स्ट कंपोनेंट इज अ कैसेट हब. दिस इज अ कैसेट हब फ्रॉम द ब्रांड कोंडो. इट हैज अ वेरी गुड साउंड एंड इन कैसेट हब यू विल फाइंड अ स्लॉट विच फिक्सेस द कैसेट एंड देन यू विल फाइंड 6 होल्स. ये 6 जो होल्स हैं इसमें डिस्क का रोटर प्लेट आके लगेगा, उसके बाद इस पे 6 बोल्ट्स लगेंगे. And this is a QR hub, which is a quick release hub. Okay, so first component is the hub, the free hub. So our next component for the upgrade to 8-speed is the 8-speed cassette. And for 8-speed cassette, I have got 2 cassette here. One is black in color, which is CSHG 31 8-speed, and the other one is silver in color. So you can choose to go with either one of them. Then we have the chain and shifters. So I'll take the shifter. This is our shifter for 8-speed rear, and then we'll take a chain. So the chains which I recommend you is KMC Z8.3 or KMC X8. So either one of them you can choose. Then we have the derailleur. So as I told you, for test condition 2 we will go with 8-speed. So in your 8-speed upgradation, if you don't have a derailleur for 8-speed, then proceed with purchase of a derailleur. This time we are going with Shimano Altus RDM310. Okay. So ये 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास. वन इज द फ्री हब, द अदर वन इज कैसेट, देन वी हैव द शिफ्टर, देन वी हैव द डीरेलियर, देन वी हैव द चेन. आउट ऑफ दोस 5 कंपोनेंट्स व्हिच आई जस्ट मेंशनड, 2 कंपोनेंट्स आर ऑप्शनल. ऑप्शनल व्हिच मींस यू कैन सेव योर मनी इफ यू आर अपग्रेडिंग टू 8-speed. सो दोस 2 ऑप्शनल कंपोनेंट्स आर चेन and the derailleur. So as I told you earlier, Altus RDM310 is compatible with both 7 and 8 speed cassette of EV, and similar to that there are some chains in the market which are generic chains or even chains from brand like Shimano, like CNHG40 are compatible for both 7 and 8 speed. So these 2 are optional. If you have a bike with a rear derailleur as Altus or chain which is compatible for both 7 and 8, then upgrading to 8-speed is very much feasible. ठीक है, तो ये हमारी condition 2 पे आती है.
अगर आपके पास पहले से Altus का derailleur है तो आपके लिए 8 स्पीड अपग्रेड करना ज़्यादा फीजेबल है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से Altus या सेरा का derailleur लगा हुआ है, ठीक है, तो आप कंडीशन 2 को फॉलो करिएगा। कंडीशन 2 में मैंने कहा था 8 स्पीड अपग्रेडेशन इज फीजेबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। अब हम देखते हैं कि 8 स्पीड अपग्रेड करते टाइम जो सबसे चीपेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो किन चीजों से बन सकता है, ठीक है। हैमर केम, सो देयर इज अ डाउट फ्रॉम सम एंड द डाउट सेज, और डाउट आस्क एक्चुअली नॉट सेज, सो डाउट ये पूछता है कि क्यों नहीं मैं 8 स्पीड फ्री व्हील पे अपग्रेड कर लूं, क्योंकि वो एक बहुत सस्ता ऑप्शन है। तो जी हाँ, आप 8 स्पीड फ्री व्हील में अपग्रेड कर सकते हैं, बट उससे जो ड्रॉबैक्स है वो क्या रहेंगे, चेन एंड टिप ऑफ द कॉक का टिप और चेन की जो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपरली अगर मैच नहीं करी तो फिर आपको नॉइज आने लग जाएगी चलाते टाइम। और अगर आपका व्हील मिस अलाइंड है, ठीक है, अगर आपका व्हील में डग है, ऐसा लेफ्ट राइट हो रहा है, तो आपकी शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फ्री व्हील में जाना, ठीक है। इसलिए मैं आपको कसेट ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इवन 9 स्पीड में भी फ्री व्हील आता है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कसेट पे ही जाइए, आप फ्री व्हील पे मत जाइए, ठीक है। चीपेस्ट कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करने वाले थे, उसके लिए हमें सारी चीज सबसे एंट्री लेवल लेनी पड़ेगी। तो डीरेलर मैंने Altus RDN 310 को रिजेक्ट करके मैं टॉनी TX 800 ले रहा हूँ। सो हियर इज टॉनी TX 800। तो टॉनी TX 800 की प्राइस 1040 है, तो मैं ये डीरेलर यूज करूंगा Instead of Altus, ठीक है। शिफ्टर मैं यूज कर रहा हूं SLM 315 8 स्पीड। कैसेट मैं यूज कर रहा हूं ब्लैक कैसेट जिसकी प्राइस है 880 रुपीस, क्योंकि हमें सबसे चीपेस्ट बनाना है, इसकी प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको मैं फिर से रिजेक्ट करता हूं। चेन मैं यूज करूंगा Z8.3 instead of X8, तो KMC Z8.3 में इसलिए यूज कर रहा हूं, इसकी प्राइस कम है, ठीक है। वेयर एज अगर आप मेरी बात माने तो प्रेफर्ड जो रहेगा X8 रहेगा, क्योंकि ये सिल्वर कलर का चेन, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, और इवन उसकी भी लाइफ ज़्यादा है, KMC की हर चेन की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट इवन देन चीपेस्ट तो फिर हमें KMC Z8.3 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, और हम आज ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हमारी प्राइस अक्रॉस कितनी आएगी। तो मैं आपको इस कसेट में, इस फ्री हब में कसेट असेंबल करके दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर आप देखिएगा ध्यान से। कसेट की देन इसके ऊपर चेन आएगा, देन डीरेलियर आएगा, देन लास्ट में शिफ्टर आएगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स का अगर हम टोटल करें तो देखते हैं हमारी प्राइस क्या आती है। हम ग्रेडिंग फ्रॉम 7 स्पीड टू 8 स्पीड, ओके, हमारे कैसेट का प्राइस 2250 है, उसके बाद हमारी कैसेट का प्राइस 880, उसके बाद हमारी चेन जो हम यूज करें उसका प्राइस 875, हमारे रियर डीरेलर का प्राइस 1040 एंड हमारे शिफ्टर का प्राइस है 1090। तो जो टोटल आता है वो आता है अराउंड 6135, ठीक है। इस केस को स्टडी करने के लिए हमने जो शिफ्टर लिया वो लिया 8 स्पीड का रियर SLM 315, ठीक है। लेकिन प्री इक्विप्ड जो शिफ्टर आपके साइकिल पे लगा होगा वो EF500 या EF41 लगा होगा, तो इस पे क्या होगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का शिफ्टर आप ऑप्शनल है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन को अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का भी शिफ्टर SLM 315 3 स्पीड देना पड़ेगा, तो वो शिफ्टर ये। जरूर है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको भी लें, खरीद लें, ताकि थोड़ा सा आपका जो कस्टमाइजेशन है वो प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो 7115 इज द लीस्ट वी कैन मैनेज इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम 7 टू 8 स्पीड विथ ऑल द न्यू कॉम्पोनेंट्स,
ठीक है। इस पे कॉम्पोनेंट सेफ तब हो सकता है जब आपके पास एल्टस या असेरा प्री इक्विप्ड है। अगर आपके पास एल्टस या असेरा प्री इक्विप्ड नहीं है तो फिर मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप 7 स्पीड से सीधा 9 स्पीड अपग्रेड कर लीजिएगा, 8 स्पीड को स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बन रहेगी जिसमें हमारा ड्रिलर टोनी TY300 और टोनी TY500 जो मैं आपको पहले बताया था वो प्री इक्विप्ड है, क्योंकि इस केस में आप अपना डीरेलियर रिटेन नहीं कर पाओगे। इन केस हमारे पास रियर डीरेलियर एल्टस या असेरा होता तो हमें टोनी TX अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस केस में हमारा थोड़ा सा बजट सेव हो जाता जो कि इसकी प्राइस 1040 है। तो हमारा कस्टमाइजेशन इंक्लूडिंग द 3-स्पीड शिफ्टर विच इज अगेन ऑप्शनल हो जाता अराउंड 6075, ठीक है। बट इट इज योर चॉइस, एज ए सेड एज पर माई रिकमेंडेशन दीज आर द थिंग्स प्रेफरेबल, बट इट इज योर चॉइस इन द एंड। तो हो गया, ये बात हमने देख ली 8 स्पीड की। अब हम 9 स्पीड के बारे में देखेंगे कि 9 स्पीड का बजट कितना जाएगा, ठीक है। 9 स्पीड मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया TY300 डेलर, 500 डेलर या फिर TY300 या TY500 ट्रेलर के केस में ही आप 9 स्पीड चाहिएगा, तब आप 8 स्पीड अपडेट मत कीजिएगा। ये आपके लिए जो मैंने टेस्ट कंडीशंस बनाए थे वो मैंने इसलिए ही बनाए थे ताकि आपके लिए ये डिसाइड करना इजी हो जाए कि मैं क्या अपडेट करूँ, 8 अपडेट करूँ कि 9 अपडेट करूँ, ठीक है। सिंस कॉन्डो हब, कॉन्डो फ्री हब इज कॉम्पैटिबल विद बोथ 8 and 9 स्पीड कैसेट, सो वी अगेन यूजिंग द कॉन्डो फ्री हब एज वन ऑफ द एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर अपग्रेडिंग टू 9 स्पीड, ठीक है। एंड इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग दैट योर बाइसिकल हैज TY300 और TY500 प्री इक्विप्ड, तो अभी डीरेलियर तो चेंज करना ही पड़ेगा, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग विद अ 9 स्पीड डीरेलियर इंस्टेड ऑफ द 8 स्पीड, ठीक है। दिस टाइम वी आर गोइंग विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो आफ्टर द फ्री हब वी हैव द कैसेट, 9 स्पीड में भी सिल्वर कैसेट एंड ब्लैक कैसेट दोनों हैं, सिल्वर का प्राइस हमेशा ऊपर ही रहता है तो वो भी एक बात है, ठीक है। फिर हमारे पास है रियर डीरेलियर आफ्टर कैसेट, देन वी हैव द शिफ्टर, दिस टाइम द शिफ्टर वी आर यूजिंग इज SLM 2010 फॉर 9 स्पीड रियर, एंड देन वी हैव द चेन्स KMC Shimano, whichever you prefer, you can go with that, X9 or CNHG 53, ठीक है। तो मैंने आपको 8 स्पीड कैसेट लगा के दिखाई थी हमारी हब में, सिमिलर टू दैट मैं आपको 9 स्पीड कैसेट भी लगा के दिखाता हूँ, दिस टाइम विल चूज द सिल्वर वन। फिर आखिरी में हम बात करेंगे द चीपेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पहले the cassette with the hub, and cassette को hub के साथ assemble करने के लिए you will need a tool, this time I don't have a tool, तो मैं hand से हाथ से जितना tight कर पाया। अब मैं इसको वापस खोलता हूँ, अब Commando hub free hub is compatible with both 8 and 9 speed, and all these items which I am showing you is available on the website link I'll drop in the description, so you can purchase from them, and you have to pay in advance, you cannot ask for cash on delivery, so be very sure with all these things, and they are genuine sellers, so they are very trustworthy, you can go on my recommendation, purchase from them, right? So now we'll see the cheapest combination, as I mentioned earlier. So the cheapest possible combination this time, this is for the people with टेस्ट कंडीशन 1, ठीक है, एज पर माई रिकमेंडेशन। लेकिन हाँ, 8 से 9 को भी अगर अपग्रेड करना है तो आपकी चॉइस है, उस पर फिर पूरी कंडीशंस, मेरी दोनों कंडीशंस काम नहीं करेगी। द चीपेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज व्हेन वी आर यूजिंग अ कैसेट
ब्लैक कलर का सेट जिसकी प्राइस है अराउंड 1200 एंड चेंज दिस टाइम वी आर यूजिंग ईदर शिमानो और केएमसी द प्राइस इज अराउंड 1300 एंड शिफ्टर इज SLM 2010 एल्टस इसका प्राइस 1200 एंड ये डीरेलियर दिस टाइम द डीरेलियर इज RD M370 एल्टस सो दिस इज द चीपेस्ट अवेलेबल डीरेलियर फॉर 9-speed रियर ठीक है तो चीपेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो मैं एल्टस को कंसिडर कर रहा हूँ 9-speed वाला ठीक है दिस 9-speed का एल्टस इज ओनली कॉम्पैटिबल विथ 9-speed का कैसेट तो आप ये मत सोचना कि RD M310 वाला एल्टस एंड RD M370 वाला एल्टस 7-8 के लिए बना है 9 में भी एल्टस बनता है ठीक है फिर से फोन ले लेते हैं ठीक है फिर से कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं आपको प्राइस फिर से 2250 एंड कैसेट का प्राइस इज अराउंड 1200 एंड डीजे का प्राइस अराउंड 1610 शिफ्टर का प्राइस इज अराउंड 1200 चेन का प्राइस अराउंड 1350 सो बजट इज अराउंड 7610 एंड अगेन जैसे कि मैंने पिछले वाले कंडीशन में आपको बताया था कि 3-speed का जो शिफ्टर रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा तो इसमें भी आप 3-speed का एल्टस इंक्लूड कर सकते हो बजट अराउंड 1000 बढ़ जाएगा अराउंड 8600 हो जाएगा तो जैसा कि आपने देखा दोनों केसेस में जो डिफरेंस था वो मेयर 1500 का डिफरेंस है ठीक है 1500 रुपये का डिफरेंस है तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि टेस्ट कंडीशन 1 वाले आप 8 में ना अपग्रेड करके 7 से डायरेक्टली 9 चले आइए ठीक है लेकिन जिनके पास ऑलरेडी प्री इक्विप्ड एल्टस टॉनिटी X800 या फिर असेरा डीरेलियर है 7-speed की बाइसिकल में उनके लिए ज़्यादा फीजिबल जो ऑप्शन रहेगा वो टेस्ट कंडीशन 2 के हिसाब से जो रहेगा अपग्रेडेशन टू 8-speed क्योंकि उनका डीरेलियर जो है रिटेन हो जाता है उस केस में ठीक है तो बस यही सारी चीज़ों का था तो हैमर भाई फिर से आए और हैमर भाई ने टैप किया अब हैमर भाई का डाउट है कि हैमर जी का डाउट है कि भाई आपने बता दिया 7-speed के लिए 8-speed के लिए भी आपने बता दिया व्हाट अबाउट 10-speed क्या मैं 10-speed भी अपग्रेड कर सकता हूँ सो द आंसर इज येस यू कैन ऑल्सो अपग्रेड टू 10-speed रियर विथ अ 10-speed रियर डीरेलियर विथ अ 10-speed कैसेट विथ अ 10-speed शिफ्टर विथ अ 10-speed चेन एंड देयर आर फ्री हब्स फ्रॉम दिस इज अ फ्री हब कंपैटिबल फॉर बोथ 8 and 9 बट देयर आर सम फ्री हब्स विच Shimano makes, for example, free hub FH M525. ठीक है तो अगर आप वो free hub में जाएंगे इट इज compatible for all the three which is 8, 9 and 10-speed cassette. So it can mount any of those three cassette. तो आप 10-speed में भी अपग्रेड कर सकते हैं उस हब के साथ इस हब के साथ वो पॉसिबल नहीं है FH M525 के साथ वो पॉसिबल है 10-speed में आपको जो कैसेट का रेंज मिल जाएगा मतलब जो उसके टीथ का रेंज मिल जाएगा टीथ का रेंज अराउंड और 1142, 1136 ऐसा बहुत बड़ा मतलब जो कॉग है सबसे बिगेस्ट वाला कॉग वो बहुत बड़ा मिल सकता है तो आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं QR असेंबली हम लोग यहाँ पर थ्रू एक्सल हब्स की बात नहीं कर रहे हम QR हब्स की बात कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं वो भी एक ऑप्शन है तो हैमर जी ने आज 2 क्वेश्चन पूछे हमसे और इन 2 क्वेश्चन के अलावा मेरे ख्याल से आपको और कोई तीसरा डाउट नहीं होगा जो भी डाउट्स है सारे क्लियर कर दिए होंगे मैंने इन केस इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट मेरे को पूछ सकते हैं मैं उसका आंसर कर दूंगा ठीक है तो वही जो 2 कंडीशंस के बारे में हमने बात की थी उसको मैं वापस से एक बार समरी में फिर से बता देता हूं आपको ठीक है अगर आपकी 7-speed बाइसिकल में रियर डीरेलियर टॉनी TY300 या टॉनी TY500 है तो आप 8-speed में ना अपग्रेड करके डायरेक्टली 7 से 9-speed में अपग्रेड कर लीजिएगा उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है ठीक है लेकिन अगर 7-speed की आपकी बाइसिकल में रियर डीरेलियर जो है वो टॉरेंट TX800 और एल्टस RDM310 और असेरा RDM360 प्री असेंबल्ड है यानी साइकिल के साथ लगा हुआ आ रहा है तो आपके लिए जो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा वो एज पर टेस्ट कंडीशन टू आप डीरेलियर रिटेन कर लेंगे और आप मतलब आपको नया नहीं खरीदना पड़ेगा वो आपका पुराना यूज में आ जाएगा तो वो डीरेलियर रिटेन करने के बाद आपके लिए जो फिजिबल ऑप्शन रहेगा वो 8-speed में अपग्रेड करना रहेगा 7 to 8 ठीक है बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा 10-speed के बारे में हमने बताया आपको थोड़ा बहुत तो वो हो सकता है पॉसिबल है 10-speed भी पॉसिबल है आप मुझे करके बताइए और आपके जितने अपग्रेड्स जो आपने करे हैं उसका बढ़िया फोटोज़ बनाइए वीडियोज़
फोटोज खींच लिए, वीडियोस बनाइए, उसको यूट्यूब में डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए और फिर मेरे साथ शेयर करिए, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि लोग मेरी बातों को मान रहे हैं और कस्टम बिल्ड पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, नए कॉम्पोनेंट्स के साथ, और आज के लिए बस इतना ही भाई, टेक केयर, बाय बाय। Gracias.